In this video we will solve a cubic equation with the help of syntactic division method if one root of the equation is given. So I have an example that is using synthetic division method synthetic division method Isko synthetic division, सोल्व द इक्वेशन सॉल्व द इक्वेशन एंड द इक्वेशन इज इक्वेशन हम यहाँ लिख लेते हैं इधर जरा स्पेस थोड़ी कम है तो हम यहाँ पर लिखते हैं इक्वेशन है थ्री एक्स क्यूब माइनस इलेवन एक्स स्क्वेर प्लस फाइव एक्स प्लस थ्री क्वल टू जीरो देखिए आपको ये क्वेशन तो मालूम हो गया होगा कैसे चूंकि इसमें साइन ऑफ इक्वेलिटी है यानी इक्वालिटी का साइन है तो ये क्वेशन है लेकिन उसके साथ साथ ये क्यूबिक इक्वेशन भी है तो उस पर भी बात करेंगे तो नेक्स्ट अगर हम इस स्टेटमेंट को कंप्लीट करें द इक्वेशन वेन वेन थ्री इज रूट ऑफ द इक्वेशन ऑफ द इक्वेशन यानी हमें एक रूट दे दिया गया है और हमें ये कहा गया है कि सिंथेटिक डिवीज़न का इस्तेमाल करके आप इसको सॉल्व करो इस इक्वेशन को तो ये क्यूबिक इक्वेशन है क्यूबिक इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें मैक्सिमम पावर आपको थ्री नजर आएगी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर थ्री नजर आएगी उसको हम क्यूबिक इक्वेशन का नाम देंगे तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इस पूरी इक्वेशन में आपको मैक्सिमम पावर थ्री ही नजर आ रही है इसलिए ये एक क्यूबिक इक्वेशन कहलाएगी तो हम सिंथेटिक डिवीजन के प्रोसेस से इसको स्टार्ट लेंगे ये जो रूट गिवन है अब रूट का भी आपको मालूम होना चाहिए जो ऑलरेडी हम इसके बारे में बहुत डिटेल में बात कर चुके हैं रूट वो वैल्यू होती है जिसको अगर हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो इक्वेशन सेटिस्फाई होगी इसलिए हम इसको रूट ऑफ इक्वेशन का नाम दें यानी फाइनल जो आंसर आता है हमारे पास सोल्यूशन सेट में जो लिखा जाता है उसको हम रूट ऑफ इक्वेशन का नाम देते हैं तो हम स्टार्ट करते हैं सिंथेटिक डिवीजन से हम इस तरह से ये लाइंस ड्रा करेंगे ये लाइंस सिंथेटिक डिवीज़न के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अगेन हम वो यहाँ पर प्रोसेस जो है वो लगाएंगे अब इनके कोफिशन लिखेंगे इन वेरिएबल्स के मैक्सिमम पावर थ्री है तो इसका कोफिशन यहाँ पर थ्री आएगा उसके बाद टू है उसका कोफिशन माइनस आएगा उसके बाद अगर आप देखें तो स्केर के बाद वन पावर एक्स की है उसका कॉप्शन फाइव है तो हम यहाँ पर फाइव लिखेंगे और कांस्टेंट टर्म जो है वो यहाँ पर थ्री है तो थ्री को हम यहाँ पर लिख देंगे थ्री इज रूट हम लिख सकते हैं थ्री रूट का मतलब एक्स की वैल्यू यहाँ पर थ्री है तो आप लिखेंगे एक्स की वैल्यू थ्री और थ्री को हम यहां पर लिखेंगे और इसको हम डिवाइड करेंगे इस पर तो फर्स्ट वैल्यू जो है वो एज इट इज नीचे आ जाएगी अब ये जो वैल्यू आई है ये मल्टीप्लाई होगी इस नंबर के साथ तो जब मल्टीप्लाई करेंगे 339 वो 9 हम यहाँ पर लिखेंगे अब इनको ऐड करवाया जाएगा -11 9 फाइनली आपके पास -2 आएगा अब -2 को 3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो -6 आएगा जो कि 5 के नीचे लिखा जाएगा यहाँ पर इनको ऐड करवाया जाएगा माइनस सिक्स प्लस वन फाइव तो माइनस का वन आएगा इस माइनस वन को अगेन हम थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वन मल्टीप्लाई बाई थ्री माइनस का थ्री देंगे अब प्लस थ्री माइनस थ्री जीरो होगा और ये लास्ट वैल्यू जो होती है इसी को हम क्या नाम देते हैं इसी को हम रिमेंडर का नाम देते हैं ये रिमेंडर होगा आर स्टैंड फॉर रिमाइंडर और अब हमें मालूम है उसने बोला है रूट है इक्वेशन का तो आप अगर ये बात जेन में रखें अगर तो रूट होगा इट मीन रिमाइंडर जीरो आएगा तो देख रहे हैं यहाँ पर रिमाइंडर हमारा जीरो ही आ चुका है अब हमें ये भी मालूम है जब हम किसी नंबर पे डिवाइड करते हैं किसी इक्वेशन को या किसी पोलिनोमियल को तो हमारी जो है या इक्वेशन है उसकी डिग्री जो है एक कम हो जाएगी हमने एक बार डिवाइड किया है तो डिग्री एक जो है वो कम हो जाएगी ये पावर थ्री थी अब पावर टू हो जाएगी और हम जो न्यू इक्वेशन बनाएंगे उसमें मैक्सिमम पावर अब आएगी टू आएगी तो अब यहां पे हम लिखेंगे द डिप्रेस्ड इक्वेशन इज द डिप्रेस्ड इक्वेशन Is, अब इक्वेशन क्या होगी और कैसे लिखी जाएगी उसके लिए हम इन वैल्यूज का इस्तेमाल करेंगे सबसे जो पहली वैल्यू है इसके साथ मैक्सिमम पावर लिखी जाएगी वो कितनी होगी थ्री से एक कम डेट इज फिर उसके बाद square के बाद इसके साथ वन लिखा जाएगा वेरिएबल की पावर यानी एक्स की पावर वन और ये कॉन्स्टेंट टर्म होगी तो हम यहाँ पे इसको लिखेंगे द डिप्रेस्ड इक्वेशन इज थ्री और इसके साथ आएगा एक्स स्क्वायर माइनस इसके साथ फिर एक्स आएगा और ये कांस्टेंट टर्म होगी डेट इज माइनस वन इज इक्वल टू जीरो ना दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो यू कैन सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड तो अगर हम यहाँ पे फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई करेंगे तो इस थ्री को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे हम कोई से दो नंबर फाइंड करेंगे मल्टीप्लाई करें तो माइनस नहीं आए अगर हम उनको ऐड करवा रहे हैं तो फाइनली हमारे पास माइनस टू आना चाहिए तो अब हम देखेंगे इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो मेरे पास फैक्टर हम लिख लेते हैं 3x 3x 1x. One normally हम लिखेंगे नहीं one को normally नहीं लिखा जाता तो जहाँ पे कुछ ना लिखा जाए तो ये बात क्लियर है कि वहां पे वन ही होगा और ये लास्ट कॉन्सेंट हम एज इट इज लिखेंगे अब इनको मल्टीप्लाई करवाएं तो माइनस का थ्री आएगा अगर हम इनको ऐड करवा रहे हैं तो माइनस का टू ही आएगा अब इन दोनों में अगर कॉमन देखा जाए तो थ्री एक्स कॉमन है तो अंदर हमारे पास बचेगा x माइनस वन और इन दोनों में कॉमन देखा जाए तो कुछ भी नहीं है अगर कहीं कर, कुछ कॉमन ही है तो वन तो हमेशा कॉमन होगा वन इज प्रेजेंट एवरीवेयर बिकॉज अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है और नेक्स्ट यहाँ पे बचेगा अंदर x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो अब ये वाली जो चीज है वो सेम है एक मरत हम ये राइट कर लेंगे और एक मरतबा हम इसको कंबाइन करके लिख लेंगे डेट इज थ्री एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो अब यहाँ पे बारी बारी इनको जीरो के ऊपर जाए पुट किया जाएगा तो आइर x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो आर आर थ्री एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालें वो वन आएगी और यहाँ से अगर निकालें तो ये राइट right साइड पे जाएगा one minus one होगा और की वैल्यू यहाँ पे आएगी माइनस वन बाई थ्री ये थ्री राइट साइड पे जाके डिवाइड सो so ये हमने इस इक्वेशन को सॉल्व कर क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व कर लिया एक्चुअली देखें इसकी पावर थ्री है तो इसके जो रूट होंगे वो भी तीन ही होंगे यानी तीन आंसर आएंगे हमारे पास भी तीन आंसर आ चुके हैं एक ये है एक ये वाली वैल्यू है और तीसरी ऑलरेडी उसने हमें रूट जो है वो गिवन की थी दैट इज थ्री तो लास्ट पे हम जो है वो इसको लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं हैंस माइनस वन बाय थ्री वन एंड और एक जो हमें ऊपर रूट दिया था डेट इज थ्री ये जो थ्री हमें एंड थ्री आर रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन गिवन इक्वेशन तो जो हमें इक्वेशन दी गई थी उसको हमने सॉल्व किया और उसके रूट्स ये आगे सॉल्व करके ये हमारे पास वैल्यूज आ चुकी है